1986 के नकोदर कांड के शहीद होए चार नौजवानों की याद में सचखंड श्री हरिमंदर साहिब विखे पाठ के भोग पाए गए, जिस सिख संगतों वालों वध चढ़ के हिस्सा लिया गया और श्रद्धांजलि भेंट की गई। इस मौके सिख जथेबंदियों की मनी जाए तो सिख जथेबंदियों का कहना है कि श्रोमणी अकाली दल की सरकार समय नकोदर कांड होया सी। इस मौके बेअदबियां दे रोस वजो धरना दे रहे नौजवानों ते गोलियां चलिया, जिस दे विच चार नौजवान शहीद हो गए सन। उन्होंने याद करते हुए अज श्री अखंडपाठ साहिब जी के पाठ के भोग पाए गए ने। उन्होंने कहा कि यह बेहद शर्मनाक गल है कि श्रोमणी गुरद्वारा प्रबंधक कमेटी और श्रोमणी अकाली दल का कोई भी नुमाइंदा इत्थे श्रद्धा सुमन भेंट करन नहीं आया। सिख जथेबंदियों ने कहा है कि शहीद परिवारों वालों लगातार श्री अकाल तख्त साहिब के जथेदार SGPC अकाली दल नूं मंग पत्र देने के बावजूद भी कोई भी कार्रवाई नहीं की गई। 35 वरे अज पूरे हो गए ने साहिब श्री गुरु ग्रंथ साहिब के सत्कार अते अदब लई नकोदर विखे शहीद होने वाले चार सिंघां दे। 35 वरे पहला उस वेले दी जालम सरकार, उस वेले दा मुख्यमंत्री सुरजीत सिंह बरनाला दी अगवाई हेठ जिहड़ी पुलिस फोर्स सी, जिहड़ी नौजवानों दा थां थां शिकार कर रही सी, उस पुलिस फोर्स ने 4 फरवरी 1986 नूं नकोदर विखे गुरु ग्रंथ साहिब दे सत्कार लई सड़कां ते उतरे चार सिंघां नूं शहीद कीता सी। अज उहनां दा शहीदी दिहाड़ा श्री दरबार साहब श्री अकाल तख्त साहब विखे मनाया गया। खालसा पंथ वालों उन्हां सिंघां शहीद सिंघां दे परिवारक मैंबर अज साडे विच मौजूद ने, कुछ मैंबर आए ने, कुछ मैंबर फॉरन दे विच ने। उन्हां सारे परिवारां दी 35 वरियां तों जिहड़ी एक जंग चल रही है वह है कि जिन्हां ने उन्हां दे बच्चे शहीद किए वो उन्हां नूं कानून अनुसार सजावां मिलन, वो जेलां पिछे देखने चाहिए ने। उस वेले दा जिहड़ा जलंधर का पुलिस हैड सी वो आलम सी, और आलम जिसने होर भी अनेक नौजवान शहीद किए वो इस कांड का मुख दोषी है। सितम की गल है कि जिस सिख ऑर्गनाइजेशन सिख पार्टियां ने खास तौर पर अकाली दल मैं नाम लेना क्योंकि उस वेले भी अकाली सरकार सी, बरनाला मुख्यमंत्री सी, जिस अकाली दल ने धर्मजुत मोर्चा लाया और जिस अकाली दल की सरकार दे विच एक कारा वापरिया, उस अकाली दल ने उस आलम नू अज भी अपना मीत प्रधान बनाया होया।